हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूं आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। सब कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे कौन कौन से टिप्स हैं अपनी CUET 2025 की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, सो आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ स्मार्ट वर्क भी लगाना पड़ेगा। सो आज हम जानेंगे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आप बेसिकली इनकलकेट कर सकते हो अपनी स्टडी प्लान्स के अंदर, जिससे आपका जो एग्जाम है वो जल्दी से क्लियर हो जाए। सो पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन से। सो जो आपका CUET 2025 का एग्जाम है वो मई 2025 में होगा हाइब्रिड मोड के अंदर। और बेसिकली अगर आपको अपने एग्जाम को सक्सेसफुली पास करना है सो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो वो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए हाई स्कोर्स अचीव करने में अपने एग्जाम के अंदर। सो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी का ध्यान रखना है और आपको बेसिकली मेक श्योर करना है कि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। सो कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है। सो ये टिप्स होंगे टाइम मैनेजमेंट के, सिलेबस कवरेज के, परफेक्ट स्ट्रैटेजी के, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के और रिवीजन के। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो टॉपर्स हैं एग्जाम के उसके टिप्स भी चेक करो कि उन्होंने क्या प्रिपरेशन टिप्स दिए हैं, और उसके बाद ही आप अपना एग्जाम के लिए बैठो। सो आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जाम से पहले। अगर आपकी प्रॉपर क्लैरिटी है सो आपकी प्रिपरेशन आपके लिए एक पीस ऑफ केक बन जाएगी, राइट? और आपको मेक श्योर करना है कि आप कमिटेड हो और डेडिकेटेड हो अपने एग्जाम के लिए। सो जिसका भी बेसिकली जो भी CUET 2025 के अंदर अपियर हो रहा है उसका मेन मोटिव है कि उसे बेसिकली अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। सो हम जानेंगे कौन से टिप्स आपको हेल्प कर सकते हैं CUET 2025 के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। सो फर्स्ट है कि आपको CUET का सिलेबस अच्छे से चेक करना है और उसका एग्जाम पैटर्न चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या मार्किंग स्कीम है और क्या एग्जाम का स्ट्रक्चर है, और आपको सारे स्टडी मटेरियल रेडी रखना है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, बेस्ट बुक्स, और आपको बेसिकली CUET 2025 की प्रिपरेशन टिप्स का भी ध्यान रखना है, और आपको पता लगाना है कि कौन से टॉपिक्स आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे और कौन से बाद में पढ़ोगे, और आपको मॉक टेस्ट अच्छे से रिवाइज करने हैं। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है। सो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आप कितने आवर्स दोगे प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि आपका टाइम प्रीशियस है और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। सो एक टाइम टेबल आपको बनना चाहिए जो आपकी पर्पस को फुलफिल करेगा, और कुछ टाइम रिलैक्स के लिए भी रखना है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ। अगर आपका टाइम टेबल अच्छा होगा सो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे CUET 2025 के अंदर। सो आपको मिनिमम 4 से 5 आवर्स देने हैं प्रिपरेशन में अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक एक्टिविटीज। और CUET 2025 की प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि अगर आप कर रहे हो तो आपको गारंटी ही मिलेगी, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना बेस्ट दो और एग्जाम में वेल परफॉर्म करो। और आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। सो आप सब कुछ सिलेबस बेसिकली एक दिन पहले नहीं कर सकते, तो आपको कुछ टॉपिक्स करने हैं जो आप ईच डे कवर करोगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली क्या करना है कि सिलेबस करते रहना है। और फिर है कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो हमारा CUET का एग्जाम है वो MCQ बेस्ड पेपर है,
सो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि आप कितने, क्या आपकी मार्किंग स्कीम है एग्जाम की, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और हर एक टॉपिक की क्या वेटेज होगी। सो एग्जामिनेशन पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है और आपको बेस्ट बुक्स गैदर करनी है। मेक श्योर करो कि आप इतना टफ एग्जाम देने जा रहे हो, सो आपका जो बुक्स है वो बेस्ट होनी चाहिए, राइट? सो बुक्स हमारी साइलेंट टीचर्स होती हैं और आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप बेस्ट बुक पे ही काम डिनो लाइक अपना टाइम डिवोट करो। और फिर है कि प्रैक्टिस करते रहनी है। हमें पता है कि एक इंग्लिश का बहुत फेमस कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो अगर आप सीवीटी में अपियर करने जा रहे हो, सो आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस दो। और बेसिकली आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट दिए उसमें आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और उसके बेसिस पे आपको आगे के मॉक्स अच्छे से देने हैं। सो ये था आज की वीडियो के लिए। आज हमने जाना कि कौन सी हमारी टिप्स हैं प्रिपरेशन ऑफ सीयूईटी के लिए। सो इसमें जो टिप्स थी वो थी डिवाइज अ टाइम टेबल, मास्टर द सिलेबस, नो द एग्जामिनेशन पैटर्न, गैदर बेस्ट बुक्स और प्रैक्टिस। सो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।